नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं राजद की नवगठित टीम के बारे में, जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रतन सेन जी, जिससे हम बात करेंगे कि राजद पार्टी में आखिर किसको कौन सी टीम मिली है, किसको कौन सा पदभार मिला है उसके बारे में। तो रतन सेन जी, बताइए कि राजद की जो नवगठित टीम हुई है उसमें कौन किस पद पर विराजमान हुआ है? प्रिया, आज राजद की नई टीम का ऐलान हुआ, उसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव सुप्रीमो के पद पे काबिज हैं। उन्होंने ही उस पूरी टीम का गठन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर इस टीम के गठन की बात की गई है। इससे पहले भी अगर थोड़े से पीछे चलें तो तेज प्रताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच में एक बार शुरू हुआ था, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच में ये बात आई सामने कि वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी पे तेज प्रताप का अधिकार नहीं है, तो इस तरह की बातें निकल के आई थी। उस पूरे मामले को अगर हम समझें तो उसमें यही निकल के आया था कि एक व्यक्ति है तेज प्रताप यादव के, ने एक व्यक्ति को रिकमेंड किया था, अपने लेटर पेड पे उसका नाम लिख के बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनका नाम कार्यकारिणी समिति में रखा जाए। उसके बाद से जगदानंद सिंह ने ये खुलेआम उन्होंने कहा कि हम कैसे रख सकते हैं, जब तक कोई कार्यकारिणी समिति की बैठक नहीं होगी तो कोई व्यक्ति कैसे उस कमेटी के अंदर आ सकता है या कोई कैसे बाहर जा सकता है, जब तक कि उसका गठन न हो या फिर उसके लिए कोई पुनर्विचार याचिका न उसमें डाली जाए। तो आज जो है एक नई टीम का आज की तरफ से उसका पूर्ण रूपेण वो गठन हो गया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के नेतृत्व में इस पूरी टीम का वो गठन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को लेकर तीन व्यक्तियों का नाम जो है आज उसमें शामिल किया गया है, जिसमें शिवानंद तिवारी हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह हैं और पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम है। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो प्रिया की तीन लोगों का नाम क्यों इसमें जिक्र किया गया है, तीन लोगों का नाम क्यों इसमें आया है। तो शिवानंद तिवारी को लेकर सबसे ज़्यादा अटकलें लगी जा रही थी कि शिवानंद तिवारी जो जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम बिहार की राजनीति यानी कि राजनीति से हम संन्यास ले लिए हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास की घोषणा की थी। उस समय जो खबरें चल रही थी, जिस समय उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, उस समय जो खबरें चल रही थी उसमें आप समझेंगे तो लालू के अंदर पारिवारिक मामला भी चल रहा था। उस समय तेज प्रताप और ऐश्वर्या का मामला चल रहा था, तेज प्रताप और तेजस्वी का मामला चल रहा था, पूरा घर जो था उसमें उलझा हुआ था, पूरा राजद परिवार जो था वो घर का जो पूरा कुनबा वो उलझा हुआ था। उसी समय शिवानंद तिवारी का ये एकाएक अचानक रात में फेसबुक पे आया कि हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ ही महीनों के बाद वो आरजेडी में सक्रिय दिखने लगे, कई कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें दिखने लगी, तो ये माना जाने लगा कि वो अब आरजेडी में फिर से सक्रिय हो गए हैं। तो इस तरह से फिर अब एकाएक अचानक से उनका कार्यकारिणी में एकदम से एक नए पद पे उनका काबिज हो गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। बिल्कुल, तो ये पूरी आज की घटनाक्रम जिसमें शिवानंद तिवारी मुख्य चेहरे के रूप में उभर के सामने आए हैं आज। और भी जैसे आपने बताया भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बताया, महासचिव भी कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है। हाँ, क्या क्या नाम है आज जिन्हें महासचिव के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है, उसमें मोहम्मद कमरे आलम है, उनका नाम सबसे प्रमुखता से आज लिया गया है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो जिन नामों पे चर्चा हो रही है उसमें जयप्रकाश यादव हैं, क्रांति सिंह हैं, विद्यासागर निषाद हैं, ललित यादव हैं, रणविजय सिंह हैं और सर्वजीत पासवान हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव हैं जिनके नाम राजद ने आज जोड़े हैं, जिसमें नाम जो चर्चा के विषय में रहे उसमें क्रांति सिंह का नाम जो है क्रांति सिंह का नाम जी। ये इसके पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय से राजद के साथ जुड़े रहे हैं। इसमें जो राष्ट्रीय सचिव का जिनका नाम आया है, इसमें पूर्व सांसद कुसुम राय, नसीम खान, रविंद्र सिंह, संजय कुमार, अजय आनंद, विजय सुरेश कंडोरा का नाम जो है राष्ट्रीय सचिव के रूप में आया है। अब इसके पारिवारिक उसमें तेज प्रताप और तेजस्वी का नाम कहाँ पे है, तो इसमें जो इनका नाम है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में इनका नाम है, जिसमें तेज प्रताप हैं, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और अब्दुल बारिक सिद्दीकी, ये बड़े नाम हैं जिनका नाम इनके टीम में पूरी में घोषणा की गई है आरजेडी की तरफ से। तो जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो है उसी के मुद्दे पर हो रही है, क्योंकि एक पद है और उस एक पद पर तीन लोगों को काबिज करवाया गया है, राबड़ी देवी,
साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी। हाँ, तो इसमें तीनों को समझने के लिए पहले हमें एक एक व्यक्ति को पकड़ के चले, उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम समझे कि शिवानंद तिवारी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आरजेडी ने इस बार जो आरजेडी का मूड है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जो पहले से चले आ रहे थे, उसके बाद उनको हटा के जगदानंद सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो आरजेडी के जो पुराने मेथड थे, जिस मेथड पे आरजेडी पुराने पहले से चलती आ रही थी, जिसमें वो कहती आई मंडल कमीशन के बाद से, जब उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि एक जाति संप्रदाय का जिक्र किया गया इस पूरे नारे के रूप में, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसके इन सब को बिहार की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, इन्हें हम नहीं देखना चाहते, पूरा लबोलाबाद जो इसका है, जो जिस समय ये नारे गढ़े गए थे राजद की तरफ से, उसमें यही कहा गया था। अगर हम उस फॉर्मूले को आज के आरजेडी के जो नई टीम का जो ऐलान हुआ उसमें देखें, उसमें ये फिट नहीं करता। अब जो है आरजेडी की जो पूरी स्थिति है उसमें यह है कि वो भूरा बाल साफ करो को पूरी तरह से नकार चुकी है। अब वो एक नई टीम के साथ काम करना चाहती है, जिसमें वो सारी अगड़ी और पिछड़ी जातियों के साथ वो काम करना चाहती है। देख, अब इसमें देखेंगे कि दलित का भी नाम है, ओबीसी से भी लोग हैं, सवर्ण वर्ग से भी लोग हैं, उसी कड़ी में शिवानंद तिवारी का नाम है, जिसमें वो ब्राह्मण वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। शिवानंद तिवारी के बारे में हमने पहले ही कहा कि वो संन्यास की बात कर चुके थे, उसके बाद फिर से आरजेडी में एक्टिव दिखे और अब जो है उनको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिवानंद तिवारी के नाम से वो ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है आरजेडी। अगर ऐसे ही हम रघुवंश प्रसाद सिंह को देखें, तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है, एक तो रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के उस समय के नेता हैं जब आरजेडी का गठन हुआ था, तो गठन के समय से रघुवंश प्रसाद सिंह हैं और ये लंबे समय से राष्ट्रीय महासचिव सचिव के पद पर काबिज रहे हैं। इसमें अभी जो है इनको है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है और इनके इनके नाम से आरजेडी में जो है रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, जगदानंद सिंह हैं, ये दोनों अपर कास्ट नेता हैं, दोनों सवर्ण जातियों से आते हैं और दोनों जो हैं के हिसाब से, अगर दोनों को अगर कोई बड़ा पद मिला है दोनों को इस पार्टी में लंबे समय के बाद से, दोनों मुख्य स्ट्रीम पार्टी के अगर संगठन की बात करें उसमें अगर आए हैं दोनों, तो इससे ये भी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है आरजेडी जो है सवर्णों के वोट को भी अपने तब कंघट करना चाहती है। ये चाह रही है कि एम वाई समीकरण के बाद भी हमारे पास सवर्णों के जो वोट बचे हुए हैं वो भी वोट हमारे पास आए। तो आरजेडी ने इन इसका भी ध्यान रखा है उन्होंने कि जो ब्राह्मण और राजपूतों का जब वोट बैंक है वो भी हमारे साथ जुड़ सके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने शिवानंद तिवारी और रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम जोड़ा है। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी ये जो जातिवाद जो है राजनीति बहुत ज़्यादा अभी भी है ऐसा बिहार में, जातिवाद राजनीति है और जातिवाद के हिसाब से ही जो है अब राजनीति जो है आगे की जा रही है। तो क्या कांग्रेस में परिवारवाद भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि राबड़ी देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बिठाना कहीं ये एक मतलब क्या ये परिवारवाद की राजनीति को भी दर्शाता है? देखिए, लालू यादव के नहीं रहने से पूरा जो कुनवा है वो किस तरह से एक जगह दोनों बंद के रह सकते हैं, कैसे हम पूरी पार्टी को एक तरीके से चला सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के में हम इसको देख सकते हैं कि राबड़ी देवी को जो है प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है ताकि वो जो है एक अपने घर से उसको हैंडल कर सके, बार बार लालू यादव के यहाँ उसके लिए ना जाना पड़े। तेजस्वी यादव इसमें जो है वो प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तेजस्वी यादव जो है राबड़ी देवी को आगे करके पीछे से पूरी कमान को अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि राबड़ी देवी को जो है राजद परिवार जो है पार्टी को अपने पूरी पकड़ के अपने पास रखना चाहता है, तो इसलिए भी ये है कि राबड़ी देवी का नाम आ गया जाके ताकि तेजस्वी यादव पार्टी के एक कार्यकारी सदस्य के रूप में रहे, मगर राबड़ी देवी के नाम से वो पूरी पार्टी को अपने कब्जे में रखे। तो ये भी एक उसकी पहल है जिसके तहत इस तरह का किया गया है इसमें। तो ये तो हो गया कि आज जो नई टीम बनी है उसके बारे में। अब जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव जो इस बार के, उसमें राजद की क्या रणनीति है, किस रणनीति के साथ राजद पार्टी जो है वो उतर रही है मैदान में? हम तो इसी से समझ सकते हैं, आज की टीम से ही इसको समझ सकते हैं कि वो किस तरह की रणनीति के साथ आगे आएगी, जिसमें अब से पहले जो स्थिति थी इस विधानसभा चुनाव से पहले कि एम वाई समीकरण के साथ वो मुस्लिम और यादव वोटरों के साथ वो बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में वो खुले मन से वो अपनी बात को कहती थी। जी।
मगर इस बार जो जिस तरह की टीम का गठन किया गया है राजद की तरफ से, उसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि सवर्ण वोटरों में, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, ये तीनों जातियां हैं जो राजद से लगातार बिदकती रही है, राजद को नहीं पसंद करती रही है, यादवों के वर्चस्व को लेकर, परिवारवाद के वर्चस्व को लेकर वो लगातार फ्रंटों पर यानी कि पीछे चली जाती रही, वो कभी मेन स्ट्रीम में आकर वो राजद को वोट नहीं करती रही थी। तो इन सब कारणों से जो है राजद अब जो है उसको लग रहा है कि ये अगर वोटर हमारे साथ जुड़ते हैं तो बिहार की राजनीति में वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये एक है जो बिहार की राजनीति में राजद के लिए एक नया नई शुरुआत है, पुराने पिछले 10 सालों को अगर हम देखें तो उससे ये अलग है। तो जैसे कि राजद जो है वो महागठबंधन के साथ उतर रही है विधानसभा चुनाव में, तो उसमें अभी हाल ही में जैसे कांग्रेस के मुन्ना तिवारी का एक बयान आया है, सुबह से ये जो खबर है वो बहुत ज़्यादा चल रही है कि उनका कहना है कि 80 सीट से कम पर वो नहीं मानेंगे चुनाव में, यानी कि 80 सीट मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी तभी वो राजद के साथ या महागठबंधन दल के साथ एक साथ लड़ेंगे। तो क्या ये मान के चले कि अब राजद में कलह जो है होना तय है, क्योंकि अगर कांग्रेस के इस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी सारे विपक्षी पार्टियों के भी इसी तरीके से कमेंट्स आते गए हैं अभी तक, लेकिन आज सुबह से जो मुद्दा उठ रहा है वो है कांग्रेस पार्टी का, तो क्या हम मान के चले कि राजद अब जो है महागठबंधन में राजद के साथ साथ बाकी सभी पार्टियों का जो है वो कटना शुरू हो गया है? ये सिर्फ राजद के साथ ही नहीं है, ये बिहार महागठबंधन के देख रहे हैं तो इधर जदयू और बीजेपी का गठबंधन है, इधर महागठबंधन। महागठबंधन में तो अब तक जो स्थिति साफ नहीं है कि किसे नेता हम बनाएंगे, यही स्थिति साफ नहीं हो पा रही। कम से कम इस NDA गठबंधन में तो नीतीश कुमार के नाम के आगे मुहर लग चुकी है, मगर महागठबंधन में अब तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन हमारा नेता होगा। सुबह सबसे पहली खबर जो आई थी वो कांग्रेस की तरफ से थी कि सोनिया गांधी जो है महागठबंधन का नेता नियुक्त करेंगे, वही बताएगा कि आखिर कौन व्यक्ति है जो यहाँ महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। कांग्रेस की तरफ से ये पहला बयान आया सुबह सुबह, उसके बाद फिर से कांग्रेस की तरफ से ही बयान आया कि हमें 80 सीटें चाहिए। तो ये तो अभी ये उसके लिए ये भी समझना होगा कि विधानसभा का चुनाव इस साल के लास्ट यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास होने हैं। अक्टूबर और नवंबर में इसके चुनावों की घोषणा होगी कि कब चुनाव होगा। तो अभी से पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाती है गठबंधन को लेकर, और वैसे कांग्रेस से दबाव बना सकती है इस पर, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी 4 सीटें जो है राजद के खाते में दी है। तो इस तरह से कांग्रेस जो है RJD पे इस विधानसभा चुनाव में यहाँ पे दबाव बना सकती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी 4 सीटें राजद को दी, 4 सीटें वो हार गए, हालांकि कांग्रेस भी अपनी 7 सीटें हार गई, ये अलग बात है। लेकिन उस सिर्फ वो इस बात को लेकर कि हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको सीटें दी है, इस हिसाब से हमें बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीटें चाहिए, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। वैसे अभी जितनी भी दल चुनाव में सीटों की मांग कर रहे हैं या सीटों की बात कर रहे हैं वो सब दबाव समूह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं या अपने साथ की पार्टियों पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। ऐसा सुनने में आया था कि राजद ये चाह रही है कि झारखंड के तर्ज पर ही बिहार में चुनाव लड़ा जाए, जो वहाँ पे झारखंड में जो रणनीति उन लोगों ने अपनाई थी वही रणनीति जो है बिहार में भी अपनाई जाए, इसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि वैसा ही कुछ होगा, क्योंकि वैसे देखिए जब तक इसमें महागठबंधन की तरफ से ये क्लियर ना हो जाए कि पहले महागठबंधन के साथी कितने हैं, उनके साथियों का पहले एक बार गठबंधन बन जाए। कांग्रेस राजद के साथ रालोसपा आती है, हम आती है, पप्पू यादव की पार्टी जाप है वो आते, लेफ्ट की पार्टियां कहाँ जाती है, अगर इतनी पार्टियां अगर विपक्ष में हैं, इसमें थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही है, प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, अगर ये सब सारी पार्टियां अलग अलग या फिर थर्ड फ्रंट बनने की बात हो रही है तो पहले तो ये क्लियर हो जाए, साफ तरीके से ये क्लियर हो जाए कि महागठबंधन की तरफ से क्या स्थिति है, कितनी जो पार्टियां हैं वो एक साथ जुट पा रही है या नहीं जुट पा रही है, उसके बाद से ये साफ हो पाएगा कि किसका कितना वर्चस्व है। सहनी भी इसमें एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, उपचुनाव में भी उन्होंने अच्छे टक्कर दिए थे जदयू को। तो इस तरह से देखें तो अभी समय है, लंबा समय है चुनाव के लिए, लास्ट साल के आखिरी में के एक महीनों में चुनाव होने हैं, तो इससे अभी से ये कहना कि क्या स्थिति हो पाएगी, पहले तो गठबंधन बन जाए एक दूसरे के साथ, तब फिर ये क्लियर हो पाएगा किसका कितना वर्चस्व है पार्टी के अंदर सीटों को लेकर, फिर ये क्लियर हो पाएगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ व्यूअर्स के सवाल आए हैं। श्रेया राज लक्ष्मी का पूछना है क्या इससे राजद को फायदा होगा, किस टीम का जो गठन हुआ है, नवगठित जो टीम है उससे राजद को अब आने वाले चुनाव में कोई फायदा होगा?
ये फायदे के लिए ही तो आरजेडी ने इस तरह के गठन किया, जिसमें हम शुरुआती तीन नाम जो हमने देखे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के, जो तीन नाम देखे जिसमें राबड़ी देवी, शिवानंद तिवारी और रघुवंत प्रसाद सिंह, जिसमें से तेजस्वी ने अपने हिस्से से राबड़ी देवी को नाम आगे किया ताकि वो पार्टी पर संचालन, अपना पार्टी पर पकड़ बना सके, और दूसरा ये जो है राजपूत वोटरों को और ब्राह्मण वोटरों को, ये दोनों वोटरों को पकड़ने की कोशिश की गई। तो शायद कुछ फ़ायदा हो सकता है। जातियों के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार में वैसे भी जातियों की गणित चलती रही है। एम वाई समीकरण के अलावा अगर इनके राजद के खाते में अगर वोट बैंक बढ़ता है तो फिर ये जदयू और बीजेपी दोनों के लिए संकट की घड़ी हो सकती है। बिल्कुल। नैयर इकबाल का सवाल है कि कोई भी आ जाए देंगे तो राजद को ही वोट। तो ये उनका अपना फैसला है, वो क्या कर सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल। अब कोई आ जाए ना आए, राजद को वोट देना है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे जातीय राजनीति की बात हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, तो राजद के अभी जो मेन फोकस है राजद का, एक तो मुस्लिम वोटर्स हो गए, एक तो यादव वोटर्स हो गए, और किन किन समुदाय पर राजद की नज़र है फिलहाल? राजद के पिछले 10 सालों में अगर हम वोट बैंक को देखें तो एम वाई समीकरण के साथ इनके वोट आते रहे हैं जी। मगर जिस तरह से AIMI का वर्चस्व बढ़ा है, किशनगंज की एक सीट जो है कमरूल होदा उपचुनाव में जीती थी, उसके बाद से फिर कन्हैया बिहार में सक्रिय हैं, तो अल्पसंख्यकों का वोट जो है, एक बड़ा तबका जो है कन्हैया के साथ भी लेफ्ट पार्टियों के साथ जुड़ रहा है। तो अब RJD के सामने ये समस्या है कि Y और M के साथ वो क्या कर सकती है। M में कुछ कांग्रेस में भी वोट कन्वर्ट होते हैं, जदयू में भी M का जो वोट है वो कन्वर्ट होता है। तो अब राजद ये नई पहल जो की है इस नए चुनावी अपनी टीम के साथ, जिसमें वो सवर्ण वोटरों के साथ अपना रुझान दिखा रहे, सवर्ण वोटरों के आसपास अपना झुकाव दिखा रहे, जिसमें वो ब्राह्मण और राजपूतों के साथ जो उनके पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं उनको उन्होंने आगे किया है, ताकि जो सवर्ण वोटर है वो उनके साथ जुड़ सके, उनसे कनेक्ट हो सकें। रघुवंश प्रसाद सिंह एक तो समाजवादी नेता रहे हैं लंबे, और वो जयप्रकाश नारायण के समय से वो नेता हैं, लालू यादव के साथ है, वो तब से जुड़े हैं जब से उन्होंने पार्टी का गठन किया, तो वो एक बड़े नेता हैं। शिवानंद तिवारी भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो इन दोनों का जो है पॉलिटिकल करियर बहुत बढ़िया है बिहार की राजनीति में तो कम से कम। तो इस हिसाब से अगर दोनों को पार्टी में अगर आगे की कड़ी में खड़ा किया गया है तो वोटरों को लुभाने की तो ये पूरी कोशिश की ही गई है राजद की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, जितने भी यूज़र अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। इसके साथ ही आगे बढ़ने से पहले कुछ और कमेंट्स जो आए हैं उसको हम ले लेते हैं। नैयर इकबाल का कहना है, नाउ बिहार नीड्स यूथ लीडर। इस पर आपका क्या कहना है सर, बिहार को अब एक युवा नेता की ज़रूरत है? अब तो जैसे कि अभी अगर वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, तो तेजस्वी अगर इसके बाद उभरता हुआ अगर चेहरों की बात करें तो बिहार में एक पूरी जो टीम जो अभी खड़ी हो रही है नीतीश कुमार के बाद, ये पीढ़ी जब लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, इन पीढ़ियों को जाने के बाद जो एक नई पीढ़ी आएगी, तो उसको अगर हम देखें एक नज़र से तो उसमें तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर हैं, कन्हैया कुमार हैं, ये एक पूरी टीम है जो बिहार की राजनीति में लीड करने की कोशिश कर रही है। बिहार में अभी तेजस्वी यादव जो है बेरोजगारी को लेकर बिहार में रैलियों पे है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान रैली कर रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों अपनी पार्टी के मुख्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में, एक तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा भी है RJD की तरफ से, एक बड़ा चेहरा ये है। चिराग पासवान की बात करें तो वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जितने बड़े फैसले हैं वो सब चिराग पासवान के हिस्से, तो ये दोनों पार्टियों, इन दोनों नेताओं के पास बड़ी जिम्मेवारी, एक तो युवा नेता है, दोनों के पास बड़ी जिम्मेवारी। तो हम, आपने ठीक ही कहा है कि युवा चेहरा, तो आने वाले समय में शायद बिहार को एक युवा चेहरा मिल सकता है। जी बिल्कुल। अब आगे जो सवाल है वो है तफजुल हुसैन का, कन्हैया कुमार का भविष्य क्या है? कन्हैया कुमार एक तो लेफ्ट विंग पार्टी से आते हैं कन्हैया कुमार का, और आने वाले मतलब पिछले कुछ सालों में इस पार्टी का वर्चस्व देश में कमी हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, मगर बिहार में जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने CA और NRC के दौरान जितनी रैलियां की, रैलियों में जितनी भीड़ उन्होंने जुटाई है, ये काबिले तारीफ़ है कन्हैया कुमार के लिए। और कन्हैया कुमार का भविष्य, अभी तो उनकी राजनीति की शुरुआत की, आने वाले समय में देखते हैं क्या उनका हो पाता है।
बेस्ट एंड बेस्ट एंटरटेनमेंट का सवाल है, बिहार में बदलाव चाहिए। आप तो जस्ट ही बता पाएंगे क्या किसको कितना वोट मिलता है, उसके बाद से वो स्थिति बन पाएगी कि विधानसभा चुनाव के बाद क्या होता है। इस साल चुनाव होने और ऐसे में क्या बदलाव लाने हैं नहीं लाने हैं वो हमारे हम वोटर्स के ही हाथ में है, तो वोट करिए और फिर जैसे भी बदलाव आपको चाहिए वो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिल जाए। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं वो अपने सवाल पूछते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट्स तक आप जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो आगे बढ़ने से पहले अब ये बताइए रत्न सेन जी कि जो अभी जो चुनाव होने हैं, अब जो अगले चुनाव होने हैं, तो उसमें जैसे कि अभी ऐसी बात चल रही है कि जदयू ने अपना जो है स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो एनडीए के साथ ही लड़ेगी, आरजेडी के चेहरे को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि राजद तो अपनी तरफ से तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर चुकी है मगर जितने भी महागठबंधन दल है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इसको इस समय तब भूचाल आ गया जब प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम बिहार के साथ काम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जी। और उसके बाद उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की जिसमें उन्होंने लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम पंचायत स्तर पर जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, मुखिया और सरपंचों को हम अपने साथ लेंगे, वहाँ से हम अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह की पार्टी की हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो खबरें देखी उसके अगले एक दो दिन के बाद बिहार के तीन बड़े नेता जिसमें जीताराम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों प्रशांत किशोर से मिलते हुए देखे गए पटना के होटलों में। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि ये तीन ऐसे नेता हैं जो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं, ये तीनों थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन में उचित सीट नहीं मिल पा रहा है, जितनी सीटों की हम इच्छा रखते हैं उतनी सीटें हमें नहीं दी जा रही है। तो इस हिसाब से इनका एक ये भी मनसा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ साथ जाकर चुनाव मैदान में जा सकते हैं या फिर एक तीसरा फ्रंट की बात में जिसमें पप्पू यादव और लेफ्ट की तीन पार्टियों के साथ ये तीनों मिल सकते हैं। तो ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या स्थिति बन पा रही है मगर महागठबंधन की तरफ से जो है अगर ये सब क्लियर हो जाए, ये तीनों पार्टियां किधर जाएंगी, अगर थर्ड फ्रंट की बात होती है तो उसमें क्या होगा, महागठबंधन अगर बनता है तो उसमें क्या स्थिति होती है, तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कि जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम का उम्मीदवार बनाया गया उस तरह से महागठबंधन की तरफ से चेहरा बनाया जा सकता है किसी को। बिल्कुल। तो अगले जो सवाल है वह है रियाज अली का जो सवाल है, क्या कन्हैया कुमार को राज्य से मिल जाना चाहिए, बताइए। कन्हैया कुमार एक तो लेफ्ट पार्टी से हैं, वो अपनी पार्टी को आइडेंटिटी करते हैं, वो अपनी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने शुरुआत में जब वो जेएनयू मामले के बाद जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने लालू यादव को पैर छू के प्रणाम किया था, उसके बाद कई मामले सामने आए थे। आरजेडी के साथ मिल जाने की बात जब होती है तो उसमें बेगूसराय चुनाव का बात होता है जिसमें लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे, जबकि ये बार बार कहा जा रहा था, लोगों ने कहा था कि आरजेडी को अपने कैंडिडेट हटा लेने चाहिए थे। सोच कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच में सीधी टक्कर हो जाती, खैर वो तो हुआ नहीं। अब जो स्थिति है उसमें यह है कि गिरिराज सिंह वहाँ पर जीत गए और कन्हैया कुमार और राजद के जो उम्मीदवार हैं उनको हार का सामना करना पड़ा था। तब अब तो ये राजनीतिक स्थितियां बन पाएगी कि लेफ्ट की पार्टियां अगर आरजेडी के साथ जुड़ती है, महागठबंधन के साथ जुड़ती है तो कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में मतलब दो ऐसे चेहरे जिनकी चर्चाएं जो है आए दिन वो होती रहती है, सुनने को मिल जाती है। तो अभी फिलहाल इन दोनों लीडर्स के बिहार में कितनी मतलब क्या इनकी स्थिति है बिहार में, क्या ये बिहार में तो इनकी वर्तमान में जो स्थिति है वो नगण्य है, शून्य है, क्योंकि इससे पहले इनका बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ी भागीदारी नहीं रही है। एकाएक दोनों की एंट्री हुई है, प्रशांत किशोर इससे पहले जदयू में थे, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, मगर उससे पहले भी वह एक चुनावी रणनीतिकार हैं, वो भारत के कई राजनीतिक पार्टियों के लिए उन्होंने चुनावी कैंपेन किए हैं, मगर उससे उनकी पॉलिटिक्स कैरियर को देखा जाए तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो एक राजनेता हैं। वहीं कन्हैया कुमार की बात की जाए तो कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ चुनाव के वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने सीपीआई पार्टी ज्वाइन की,
उसके बाद लोकसभा चुनाव बेगूसराय लड़ा, तो उनका भी राजनीतिक करियर जो है बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, मगर ये है कि उनके माता पिता जो है सीपीआई के पुराने मेंबर रहे हैं, जब सीपीआई कम से कम 40 से 45 सीटें पूरे भारत में जीत कराती थी, तब कहा जाता था कि बेगूसराय जो है लेनिनग्राद है। लेनिनग्राद का मतलब कि रसिया की वह जगह जहाँ पे पूरे कम्युनिस्टों की एक लॉबी है जो काम करती थी। तो उस तरह की स्थिति तब रही थी जब कन्हैया कुमार बहुत छोटे हुआ करते थे, मगर आज की जो स्थिति है उसमें नीतीश लालू का वर्चस्व है बिहार में। ऐसे में कन्हैया कुमार के सामने भी ये समस्या है कि अपनी पार्टी को कैसे आगे करें, कैसे अपनी पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएं और खुद पहले तो वो खुद जीत सके लोकसभा या विधानसभा की सीटों पे। तो ये दोनों, मगर दोनों के नाम के चेहरे चर्चे जो है अभी खूब हो रहे हैं बिहार की राजनीति में जी। तो ये अभी समझने की चीज है कि दोनों को कैसे आगे आगे बढ़ना है करियर को लेकर। प्रशांत किशोर भी अभी यहाँ की राजनीति को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया के थ्रू शुरू किया है, जहाँ पर बहुत सारे सपोर्टर्स ने उन्हें सपोर्ट किया है। शुरुआत ही उन्होंने लाखों के सपोर्टर्स के साथ किया, उनके मेंबर बने थे उस दिन जी। उसके बाद ये क्या, अगर प्रशांत किशोर राजनीति में सक्रिय होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव जो है वो बैकफुट पर आ जाएंगे? अब ये इसे समझना होगा कि उसमें गठबंधन कैसे बनती है। अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं या किसी गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर पार्टियों को इससे नुकसान या नफा दिखना शुरू हो जाएगा। प्रशांत किशोर जब वोट काटेंगे तो दोनों का वोट काटेंगे, एक तो जदयू गठबंधन का भी वोट उसमें कटेगा जिसमें NDA है, इधर महागठबंधन की तरफ से भी वोट कटेगी। तो प्रशांत किशोर अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो दोनों तरफ का वोट काट सकते हैं जी। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ऑडियंस के जो सवाल है उस पर। मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि कन्हैया के साथ वही कन्हैया कुमार वाला सवाल है उनका। दूसरा जो फिरोज सिद्दीकी है कि आई थिंक प्रशांत किशोर इज बेस्ट ऑप्शन इन बिहार। हाँ, तो अब तो अभी तक तो उन्होंने पार्टी की घोषणा नहीं की है, मगर अब आने वाले समय में अगर वो पार्टी की घोषणा करते हैं तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह की स्थितियां बन पाती है। अभी उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अभी वो किसी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी वो कोई पार्टी नहीं बनाने वाले हैं फिलहाल, लेकिन चुनाव तक ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कोई पार्टी बना करके उतरेंगे या किसी पार्टी के साथ उतर जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। नैयर इकबाल का कहना है क्या बीजेपी बिहार में भी झूठ नफरत और धर्म की राजनीति करेगी? व्हाट डज योर पॉलिटिकल व्यूज से? अब ये तो बीजेपी पर डिपेंड करता है कि बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी एक तो दक्षिण पंथ है, आइडियोलॉजी विचारधारा की पार्टी है। तो अब इसमें ये प्रेडिक्शन करना कि क्या कर सकती है, कौन सी पार्टियां किस तरह के चीज़ों के साथ वो चुनाव मैदान में आ सकती है, ये कहना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। हम कह ही नहीं सकते कि पार्टी की क्या रणनीति बन रही है। दो दिन पहले ही तो बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई थी, इसमें कई मामलों पे चर्चा हुई है जी। ये तो चुनाव में पता चल पाएगा कि किस तरह की मूवमेंट के साथ वो चुनाव मैदान में बीजेपी आ रही है। सुधीर कुमार ठाकुर का सवाल है कि पप्पू यादव जी का फ्यूचर क्या है बिहार में? पप्पू यादव की अपनी खुद एक पार्टी है, लोग जन अधिकार पार्टी, मगर उनकी पत्नी जो है वो कांग्रेस से सांसद रही, इस बार 2019 के चुनाव में वो हार गई है। तो पटना है, मगर उन्होंने बाढ़ के समय वो अच्छा काम किया था जी। लोगों के पॉपुलर नेता हो गए थे पटना में। तो अभी विधानसभा चुनाव के समय देखना होगा कि उनकी पार्टी अपनी पार्टी को कितना टिकट दे पाते हैं, कितने लोगों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो ये देखना होगा चुनाव के समय उनकी क्या स्थिति है। या फिर वो जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी की जीत हुई, लेफ्ट के साथ उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, और वहाँ पे कहा यह जाता है कि पटना विश्वविद्यालय जो है शुरुआती समय में ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, वामपंथियों का ये गढ़ हुआ करता था। यहाँ के जितने छात्र संघ चुनाव हुए उसमें सब वामपंथियों की जीत होती थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार और बीजेपी का जब बिहार में गठबंधन हुआ, उसके बाद से AVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है यहाँ पे वर्चस्व रहा। अब इस बार जो चुनाव हुए छात्र संघ, उसमें पप्पू यादव और लेफ्ट की पार्टियों ने अलायंस में चुनाव लड़ा और उन्हें जीत मिली। तो इस तरह से कह सकते हैं पप्पू यादव का वर्चस्व पटना में तो कम बेस बढ़ा ही है, बाहर का नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम आज का लाइव सेशन खत्म करें, एक आखिरी सवाल का जवाब सर, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? अगर एक तो NDA की तरफ से नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की जा चुकी है, और वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के बाद
के नामों को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन के जो नेता हैं वो पहले तो उन्हें नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पहले वो क्लियर हो जाए कि वो कौन उसमें से मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, कौन अगर जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन सकता है तभी कुछ कहा जा सकता है कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। जी ठीक है, तो इससे पहले हम अपना लाइव सेशन खत्म करें, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बोलूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के बस इस लाइव सेशन में इतना ही, हम दोबारा आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।